महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए राजनीतिक संकट समय बीतने के साथ साथ और गहराता जा रहा है। इस सियासी उठापटक पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। शिवसेना के अंदर चल रही उठापटक के बीच भारतीय जनता पार्टी भी सक्रिय हो गई है। कहा जा रहा है कि भाजपा महाराष्ट्र में सरकार बनाने का दावा पेश करने को लेकर जल्दी में नहीं है। असल में भाजपा शिवसेना के आंतरिक संघर्ष के नतीजों के आधार पर फैसला करेगी। फिलहाल भाजपा शिवसेना के संघर्ष को इसके नगर निगमों, नगर निकायों और कस्बों तक के स्तर पर उतरने का इंतजार कर रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि महाराष्ट्र में मौजूदा सत्ता संघर्ष केवल राज्य में सत्ता परिवर्तन का नहीं है, बल्कि शिवसेना के अस्तित्व का है। ये घटनाक्रम इतनी तेजी से हुआ कि सब सकते में आ गए। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि शिवसेना में इतनी बड़ी बगावत हो सकती है। हालात तो ऐसे हैं कि शिवसेना के अस्तित्व पर ही संकट दिख रहा है। संजय राउत और उद्धव के सारे दांव फेल हो चुके हैं। खबर है कि शिवसेना के करीब 45 विधायकों ने एकनाथ शिंदे को अपना समर्थन देने का वादा किया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने वाले सभी गुवाहाटी के एक होटल में ठहरे हुए हैं और सरकार गिरने का इंतजार कर रहे हैं। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे गुट कांग्रेस एनसीपी से खार खाए बैठे हैं। बागी विधायकों की एक ही मांग है, शिवसेना महाविकास आघाड़ी से बाहर निकले। वो नहीं चाहते कि शिवसेना का गठबंधन कांग्रेस एनसीपी से बना रहे। ऐसे में आम मतदाता और राजनीतिक जानकारों की नजर इस राजनीतिक संकट पर बनी हुई है। राजनीति के दिग्गज जानकार भी इस बात पर हैरान हैं कि शिवसेना में अब तक की ये सबसे बड़ी बगावत कैसे हो गई। राजनीतिक विश्लेषक इसी स्थिति के लिए कई फैक्टर्स को जिम्मेदार बताते हैं। इनमें से एक फैक्टर सीएम उद्धव के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार का कुछ महिलाओं से उलझना भी है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार जब अभिनेत्री कंगना रनौत, सांसद नवनीत राणा और अभिनेत्री केतकी चितले से लड़ाई करने में व्यस्त थी, तभी एकनाथ शिंदे अंदर खाने बगावत की पटकथा लिख रहे थे। ताज़ा मामले में महाराष्ट्र में अजान को लेकर शुरू हुए विवाद में अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने उद्धव के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने उन पर और उनके पति पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था। बाद में दोनों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया था। नवनीत राणा ने हिरासत में मारपीट का आरोप तक लगाया था। वहीं इसी तरह एनसीपी नेता शरद पवार के खिलाफ फेसबुक पर एक कविता लिखने के आरोप में मराठी अभिनेत्री केतकी चितले को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें करीब एक महीने तक जेल में रखा गया। केतकी की गिरफ्तारी का मराठी सिनेमा जगत के कई लोगों ने विरोध किया था। केतकी ने फेसबुक पोस्ट में शरद पवार का नाम नहीं लेते हुए उन पर अपरोक्ष रूप से टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। वहीं अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद शुरू हुए विवाद में कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार भी एक दूसरे के खिलाफ आ गए थे। कंगना के बॉलीवुड के कुछ नामी चेहरों पर आरोप लगाने और मुंबई को खतरनाक जगह बताने पर शिवसेना ने उनकी सख्त आलोचना की थी, जिसके बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने कंगना पर अमर्यादित टिप्पणी तक की थी। उस समय कंगना रनौत के एक ट्वीट की वजह से सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया था। कंगना ने अपने ट्वीट में मुंबई की तुलना पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर से कर दी थी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा था, संजय राउत ने मुझे खुले तौर पर धमकी दी है और मुंबई नहीं आने को कहा है। मुंबई की गलियों में आज़ादी, ग्रेफिक और अब खुली धमकी, मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसी फीलिंग क्यों दे रहा है। कई महीने तक यह विवाद सुर्खियों में रहा। इसी दौरान बीएमसी ने कंगना के ऑफिस को अवैध बताते हुए उस पर बुलडोजर भी चलाया था। कई लोगों ने इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई कहा था। कंगना रनौत का ऑफिस साल 2020 में बीएमसी ने ध्वस्त किया था। कंगना रनौत ने तब उद्धव ठाकरे को चुनौती दी थी। आज जब शिवसेना की सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, ऐसे में खबरें आ रही हैं कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं। कंगना ने दो साल पहले 2020 में भविष्यवाणी की थी कि उद्धव ठाकरे का अहंकार टूट जाएगा। कंगना ने कहा था, उद्धव ठाकरे तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझसे बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। कंगना के इस बयान का वीडियो अब एक बार फिर से सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि शिवसेना में बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे न सिर्फ महाराष्ट्र की सियासत में बदलाव करने में कामयाब होते दिख रहे हैं, बल्कि वो पार्टी पर भी अपना अधिकार जमाते दिख रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बुधवार को अपना आधिकारिक आवास खाली कर दिया, जिससे लोग एनडीए सरकार के भविष्य के बारे में अटकलें भी लगाने लगे। उद्धव ठाकरे के आधिकारिक आवास खाली करने का अर्थ ये लगाया जा रहा है कि वो अब पद पर काम करने के इच्छुक नहीं हैं और एक तरह से स्वीकार कर चुके हैं कि उनकी सरकार अल्पमत में आ चुकी है। ऐसे में लोगों के बीच ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या प्रदेश में नए मुख्यमंत्री या नए गठबंधन की सरकार बनेगी। बहरहाल उद्धव ठाकरे के लिए चुनौतियां तो कई रही, उनकी छवि, बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे न ले जा पाना, हिंदुत्व की छवि को
खो देना, साथ ही साथ एनसीपी और कांग्रेस जैसे विरोधियों के साथ में गठबंधन करना हो या भाजपा जैसे पुराने साथी को छोड़ना हो, बहुत सारी गलतियां दिखाई पड़ती हैं। लेकिन इस सब के बीच इन तीन महिलाओं से उलझना भी उद्धव ठाकरे को बहुत भारी पड़ गया, क्योंकि यही वो समय था जब एकनाथ शिंदे को मौका मिला अपनी कहानी लिखने का। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।